तो फिर आज हम शुरू करते हैं आज का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को डिस्कस करना। तो आज हमारे साथ रश्मि सेठी जी जुड़ी हुई हैं, जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताएंगी। और बहुत टाइम से हम इस दिन का वेट कर रहे थे कि कब रश्मि दी बताएंगी, बिकॉज स्टार्टिंग से ही जैसे दीदी आई और उन्होंने जिस तरीके के अपने एक्सपीरियंसेस बताए, हमेशा इतनी इतने कम टाइम ध्यान करने के बाद इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने बताए, तो उससे काफी दिख रहा था कि अपनी अभी तक की लाइफ में भी उन्होंने काफी कुछ एक्सप्लोर किया है। काफी काफी उनको क्यूरियोसिटी हमेशा से रही है, और उन्होंने बहुत कुछ इस टॉपिक के ऊपर, इस पाथ के ऊपर पहले भी सोचा है और पहले भी एक्सपीरियंस किया है। तो रश्मि दी, आज आप डिटेल में अपने बारे में बताइए कि आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली, और आप बचपन से ही किन किन चीजों पे आप ध्यान देती थी, और कैसे आप मतलब एकदम इस पाथ पे अब फुल फ्लेज्ड और एक्टिवली आई हैं, और आपका मैसेज भी, इन शॉर्ट आपका मैसेज भी सबके लिए क्या है, वो भी आप बताइए हमारे साथ। थैंक यू सो मच समीहा। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं आज इस मंच पे अपने विचार, अपनी यात्रा शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम रश्मि सेठी है। मेरा जन्म लखनऊ में हुआ और अब मैं पिछले 18 वर्षों से मेरठ में रह रही हूँ। आफ्टर मैरिज मैं यहीं पे सेटल्ड हूँ। मेरे दो बेटे हैं और मैं बहुत ही खुश हूँ अपनी मैरिड लाइफ में। बचपन में जब मैं बहुत 8-10 साल की रही होंगी, तब मैं अपनी दादी माँ के साथ कीर्तन में जाया करती थी। हर हफ्ते ही वो मुझे अपने साथ कीर्तन में ले जाया करती थी। तो वहां पर मैं देखा करती थी कि बहुत सारी लेडीज जो आगे बैठी होती थी, जो ढोलक मंजीरे बजा रही होती थी या भजन गा रही होती थी, वो सब तो भक्ति में लीन दिखाई देती थी, पर उसमें से कुछ महिलाएं जो पीछे बैठी होती थी मोस्टली, और ऐसा लगता था उन्हें देख के, मैं उनको वॉच करती रहती थी कि वो लोग भक्ति नहीं कर रही हैं, लाइक वो लोग इधर उधर देख रही हैं। कुछ महिलाएं होती थी ऐसी जो ताली तो बजा रही होती थी, पर उनका ध्यान ऐसा लगता था कहीं और है। इधर उधर देखना, गॉसिप करना, या जो लोग आ रहे होते थे उनकी तरफ अटेंशन, उनके कपड़े देखते रहना। तो मुझे ऐसा देख के ना मन में ऐसा लगता था, बहुत ही अजीब सा फील होता था कि ये कैसी भक्ति है, कि क्या हम इसीलिए मंदिरों में या गुरुद्वारों में या कीर्तनों में जाते हैं बस? क्या हम कुछ लोग होते हैं जो ऐसा होता है कि नाम के लिए ही जा रहे हैं मंदिरों में? तो बचपन से ही मैं ये सब देख के बहुत ही मेरा मन बेचैन सा हो जाता था। और बचपन से मैं शाय नेचर की रही, बहुत ज्यादा बोलना नहीं, चुप चुप रहना, मिक्सअप नहीं होना जल्दी, और मुझे मतलब बहुत ही कम फ्रेंड्स बनाना भी पसंद था कि ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाने। सोशल गैदरिंग्स में जाना भी मुझे पसंद नहीं था, मुझे वहां पे भीड़ भाड़ में घबराहट सी लगती थी। तो इस वजह से मेरे पेरेंट्स से मुझे कई बार डांट भी पड़ती थी कि मैं मिक्सअप नहीं होती, सोशल नहीं होती सबके साथ। पर मुझे एकांत में ही शांति मिलती थी, मुझे अकेले रहने में ज्यादा सुकून मिलता था, और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, नेचर के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता था मेरे को। जैसे ट्रीज देखना, फ्लावर्स देखते रहना, और स्काई में सन, स्टार, मून, स्टार्स, ये सब देखते रहना, सनराइज देखना, सनसेट देखते रहना, तो इन सब में मुझे ज्यादा अच्छा लगता था देख के। और कभी-कभी मैं रात को घंटों मून को, स्टार्स को निहारती रहती, और मैं सोचती कि क्या इस आकाश के पार भी कोई दुनिया है, और सोचती ईश्वर जिसको हम मानते हैं वो इस आकाश के पार कहीं रहते हैं। ऐसे ऐसे विचार मेरे मन में बहुत छोटे मन से ही उठते थे। तो धीरे धीरे और बड़ी होती गई, फिर मुझे लगा कि नहीं, भक्ति का अर्थ जो है ये, मैं मंदिरों की जो लाइनों में लोग लगे होते हैं उन्हें देख के मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था वहां पे कई बार मैं देखती थी मंदिरों की लाइनों में धक्का मुक्की हो रही है, कोई एक दूसरे से, कई बार मैंने देखा लोगों को झगड़ते हुए आगे निकलने के लिए। तो ये सब देख के मेरा मन बहुत दुखी होता था, और मैं सोचती थी कि अगर इन लोग ने आगे निकल के ईश्वर की प्रतिमा के दर्शन कर भी लिए, और अगर इन्होंने शिवलिंग पे जल चढ़ा भी लिया इतनी जल्दबाजी में, तो क्या इनके मन को शांति मिलती है? तो क्या यही भक्ति होती है? तो ये सब देख के भी मुझे बहुत दुख होता था।
और मेरे को लगता था कि क्या ईश्वर इस तरह से इनसे खुश हो जाएगा, ये तो खुश हो गए ऐसा करके कि हमने पहले पहुंच गए हम मंदिर में, पर क्या वो ईश्वर भी इनसे खुश हो रहा है ये सब देख के। उसके बाद एक बड़ा चेंज तब आया मेरी लाइफ में जब मैंने रेकी सीखी। एक पास में रहने वाली आंटी थी, पड़ोस में रहने वाली, उनसे हमें रेकी हीलिंग के बारे में पता चला। उन्होंने हमें साईं बाबा के विषय में भी बताया। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने रेकी सीखी सन 2000 में। और उसके बाद फिर मेरे को हम लोगों को फैमिली को वो साईं बाबा के मंदिर भी लेकर गई, तो वहां पे मुझे बहुत शांति मिली। बाबा की प्रतिमा के दर्शन करके ऐसा लगा कि शायद मैं यही ढूंढ रही थी, उन्हीं को मैंने अपने हृदय से अपने आप को मैं समर्पित कर दिया और उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। रेकी कोर्स पूरा करने के बाद हमारे रेकी मास्टर जो होते हैं गुरु, वो हमारा अट्यूनमेंट करते हैं जिससे हम हमारे सारे चक्रास खुल के हमारा हम जो है ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ जाते हैं। तो तब मुझे फर्स्ट टाइम उस ब्रह्मांड की ऊर्जा का, उस अदृश्य शक्ति का एहसास हुआ रेकी अट्यूनमेंट के टाइम पे। वो शायद मेरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी। तब मेरी आयु 20 वर्ष की थी। उसके बाद मैरिज हो गई। मैरिज के बाद बहुत से शारीरिक और मानसिक कष्ट भी उठाने पड़े, वो सब एक पार्ट ऑफ लाइफ था, एक कर्म का बैलेंस था, अब समझ में आ रहा है। तब बहुत दुखी होती थी ये सब सोच के कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर 2012 में मेरे छोटे बेटे का जन्म हुआ। उसके बाद से मैं सीवियर डिप्रेशन में चली गई, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई, मुझे मेडिकल हेल्प भी लेनी पड़ी। छोटी छोटी बातों पे मुझे बहुत गुस्सा आने लगा, बहुत ही नेगेटिव थॉट्स बढ़ते गए, रोना आता, डर लगता, एक अनजान सा फियर सा रहता था मन में फ्यूचर को सोच के कभी कि क्या होगा, कभी कभी सुसाइडल थॉट्स भी आते। सभी भौतिक सुख सुविधाएं होते हुए भी जीवन में मन में शांति नहीं थी, मन अशांत बना ही रहता था। फिर एक दिन मैं मंदिर में बाबा के आगे बैठकर बहुत रोई कि बाबा अगर आप मुझे मन की शांति नहीं दे सकते तो आप मुझे उठा लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। फिर मैंने 7 दिन में साईं चरित्र का पाठ किया। उसी बीच मेरी प्रज्ञा मैम से भी बात होती रहती थी, मैम से मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता, बहुत ही वो मुझे संतावना देती, समझाती कि कैसे मैं अपना डिप्रेशन दूर कर सकती हूँ। मैम ने मुझे प्राणावायलेट हीलिंग के बारे में भी बताया और क्षमा करना भी सिखाया कि कैसे क्षमा करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। उससे मुझे बहुत शांति मिली। फिर उन्हीं के सानिध्य में मैंने सन 2016 में प्राणावायलेट हीलिंग सीखी। सितंबर 2020 में मैम का एक मैसेज आया जिसमें उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा, यूट्यूब लिंक भेजा, और बताया कि उन्होंने ध्यान में मेरी मदर को और मेरा फेस देखा है और उन्होंने हमें बताया कि वह मेडिटेशन करती हैं और हम भी करें, पर शायद उस समय समय नहीं आया था। तब मैंने ना उस लिंक पे ज्वाइन किया और ना उनसे इस विषय में कुछ पूछा। समय बीतता गया। 8 महीने बाद 5 मई 2021 को मैम का मैसेज आया, फिर से एक लिंक भेजा उन्होंने मुझे, जूम लिंक भेजा और बताया कि वे मेडिटेशन क्लासेस ले रही हैं और मैं उस पे ज्वाइन करूं। तब मैंने सेम डे ही ज्वाइन कर लिया और फर्स्ट टाइम आनापाना सती के माध्यम से ध्यान किया। मैं बता नहीं सकती शब्दों में कि मेरे जीवन में क्या आ गया था और मैंने क्या पा लिया था। मैंने रेकी मेडिटेशन जब रेकी सीखी तब भी बहुत से मेडिटेशंस किए, तब भी मैंने बहुत 2-3 सालों तक बहुत मेडिटेशंस करे। अभी 2-3 साल पहले तक भी मैंने राजयोग मेडिटेशन भी किया, पर जो शांति, जो खुशी, जो आत्मविश्वास मुझे आनापाना सती माध्यम से ध्यान करने के द्वारा मिला, वो गत 40 वर्षों में कहीं भी नहीं मिला।
मैं आज से 2 महीने पहले तक नहीं जानती थी कि कि ब्रह्म ऋषि पत्री जी कौन है, बाबा जी महावतार कौन है, PSSM क्या है, ये सब कुछ नहीं पता था। पर अब मैं तन मन से इन सब के साथ जुड़ चुकी हूँ। बुक रीडिंग, स्वाध्याय की हैबिट मुझे बहुत सालों से थी, उससे ज्ञान की भी बहुत वृद्धि हुई, पर ध्यान के बिना ज्ञान वैसे ही अधूरा रहता है जैसे चंद्रमा के बिना सभी तारे। बुक्स रीडिंग का जो ज्ञान था उसका सही मतलब सही मायने में मुझे तभी समझ में आया जब मैं ध्यान में आई। डिप्रेशन में जाने का कारण मेरी 7 माह की छोटी सी बेटी की मृत्यु थी जो 2010 में हुई थी। उस समय मैं बिल्कुल टूट सी गई थी, मैं बहुत बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थी। उसके बाद से 2013 तक मुझे डिप्रेशन रहा। बेटी की मृत्यु के बाद मैंने कभी भी उसे अपने सपने में भी नहीं देखा, पर जब मैंने इस माध्यम से ध्यान करना आरंभ किया तो मैंने एक विजन देखा जिसमें मैंने एक 8-10 साल की बच्ची को देखा जो एक गार्डन में खेल रही थी। उसने मुझे आवाज लगाई, मम्मी, तो मेरे को लगा ये शायद मेरी बेटी है और मैंने उसे आवाज लगाई, मैंने मन में उसे बुलाया लाडो, तो वो एकदम से कहती हाँ मम्मा मैं जहां भी हूँ बहुत खुश हूँ, आप मुझे रिलीज कर दो अपने थॉट्स से। उससे पहले शायद मैं उसे अपने थॉट्स से रिलीज नहीं कर पाई थी अपने इमोशंस से, पर उसके बाद से मैंने उसे रिलीज कर दिया और ये देखकर कि वो जहां भी है वो खुश है। मैंने ध्यान में कई बार भोले शंकर की छवि देखी और ये जाना कि जिस ईश्वर को मैं बाहर ढूंढ रही थी शिवो हम, कि हम ही शिव हैं, वो हमारे अंदर ही है। मैंने ये भी देखा ध्यान में कि मैं एक बौद्ध भिक्षुक हूँ। एक बुद्धिस्ट मॉन्क का बहुत प्यारा विजन आया मुझे जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि मैं किसी जन्म में एक बौद्ध भिक्षुक थी। मेरा ये मिथ था, ये मानना था कि हमारी केवल 7 बर्थ्स होती हैं, 7 लाइव्स होती हैं, पर प्रज्ञा मैम से ही मुझे ये ज्ञान मिला कि नहीं, हमारी बहुत सारी लाइव्स हैं, हो चुकी हैं और बहुत सारी लाइव्स होंगी आगे। ये आत्मा अमर है, हम लोग केवल शरीर छोड़ के नया शरीर ले लेते हैं। अब तक मैंने ध्यान में अपने 10-12 जन्म पास्ट लाइव्स देखे हैं। एक विजन के द्वारा मेरा डॉग्स का फियर दूर हुआ, वो मैं शेयर करना चाहूंगी। मैं बचपन से ही डॉग्स से बहुत डरती थी और अभी तक भी डरती थी, पर एक मैंने एक विजन देखा थोड़े दिन पहले कि मैं एक अधेड़ उम्र का आदमी हूँ किसी फॉरेन कंट्री में और मेरे पीछे रात के समय बहुत सारे डॉग्स पड़े हुए हैं और मैं अपनी कार की तरफ भाग रही हूँ, और जैसे मैं अपनी कार में बैठ जाती हूँ तो और मैं उनको बैठते बैठते मैं अपनी गन निकाल के उन्हें शूट कर देती हूँ और मैं खुश होती हूँ कि मैंने उन्हें मार दिया, मैं बच गई और मैं अब चली जाऊं यहाँ से। इतने में ही मैं देखती हूँ कि एक डॉग मेरी कार की विंडो जो खुली थी उससे जंप करके आया और उसने मुझे गले में इतना काटा कि मैं मर गई। तब से मेरे डॉग्स का फियर खत्म हो गया और मुझे उसका रीजन भी पता चल गया है कि क्यों मेरे को ऐसा डर था। पर इन सभी विजन्स का अर्थ, ध्यान का महत्व कुछ भी मैं समझ ना पाती अगर प्रज्ञा मैम जैसी गाइडिंग एंजल मेरी लाइफ में ना होती। सुकृत, समीहा जैसे लविंग मास्टर्स का गाइडेंस और प्रोत्साहन मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने माता पिता को जिन्होंने मुझे ये भौतिक शरीर दिया, उस परम पिता परमात्मा को जिसने मुझे ये श्वासें दी, इस आत्म जागृति ग्रुप का और आप सभी महानुभवों का जिनसे जुड़ने का मुझे अवसर मिला और अपनी जर्नी शेयर करने का अवसर मिला। बस यही कामना है जीवन में कि हम सब इसी प्रवाह में एक साथ ज्ञान और ध्यान की गंगा में यूं ही बहते रहें। धन्यवाद। थैंक यू डियर रश्मि, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी थी आपकी जर्नी। थैंक यू रश्मि, बहुत अच्छा। थैंक यू। वाओ,
थैंक यू रश्मि, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था दीदी, फाइनली आपका एक्सपीरियंस सुनने को मिला, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे. थैंक यू सो मच, वंडरफुल एक्सपीरियंस, वंडरफुल सच, एक बात वंडरफुल जो इन्हें एक बात इन्होंने बोली कि मेरा एक फियर था कि कुत्तों से डर लगता था इन्हें. ऐसे सभी की लाइफ में होता ही है कोई ना कोई डर, कि कैसे कोई हाइट पे जाके डर लगता है कि ऊपर से नीचे नहीं देख सकता, कुछ स्विमिंग करने से डरते हैं, पानी में जाने से, या कोई आग को देख के डरते हैं. तो अगर ये जो डर हमारे साथ है, तो ऐसा तकरीबन देखा है, जैसे इन्होंने भी एक्सपीरियंस शेयर किया औरों की भी मैं सुनती हूँ, कि जैसे अगर कोई किसी को ऊपर से कूदने से डर लगता है, तो मुझे अभी कोई है, अभी भी कर रहा है लड़का, वो डॉक्टर, उसने बताया कि मैं बहुत डरता था प्रज्ञा आंटी ऊपर से. तो मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी कि मैं सबसे ऊपर हमारी पता नहीं 13th फ्लोर पर एक पार्टी हो रही है, और वहां से मुझे किसी मेरे फ्रेंड ने घिरा दिया. उस समय मैं 30 साल का था उस जन्म में. तो अब मुझे पता चल गया कि मैं को ये डर क्यों होता था. अब जब से मैंने वो देखा है, तो वो मेरे डर भी रिलीज हो गया. मतलब पास्ट लाइफ का तो आपको दिखा ही, लेकिन कुछ डर जो बंधा था इतने समय से चला आ रहा था, वो भी खत्म हो गया. तो ये नॉलेज मैम मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी, मैम कल मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछ रही थी, और सौभाग्य से मेरी वो सीनियर मास्टर से भी बात हुई, तो उनसे भी मैंने वही क्वेश्चन, वो मेरे से मेरे को थोड़ा समझाने लगे इसके बारे में, तो उनसे भी मैंने सेम क्वेश्चन पूछा कि ये विजन्स जो होते हैं इतने ज्यादा, मतलब किसी को नहीं आते और किसी मेरे को आते हैं, इतना क्यों आते हैं. तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये आपकी यात्रा यहीं पे छुट्टी होगी पिछले जन्म में. yes. तो आप अच्छे लेवल पे हो गए इस उस टाइम पे, तो आप अब आगे बढ़ रहे हो, तो ये अच्छी बात है अगर आपको विजन्स आ रहे हैं. बिल्कुल ठीक कहा. और फिर आपने देख भी लिया कि आप लास्ट पास्ट लाइफ में बुद्धिस्ट मॉन्क थे. हाँ जी, तो उन्होंने मुझे बताया कल ये बात. हो सकती है. मैं आपसे भी यही, मेरे का क्वेश्चन यही रहता था मन में इसमें आने के बाद, कि मुझे विजन्स इतने क्यों दिख रहे हैं. अब इसका आंसर मिल गया आपको, है ना? हाँ जी, हाँ जी. और एक और पार्ट है इस आंसर का दीदी, कि जैसे मतलब स्टार्टिंग में ऐसे विजन्स इतने सारे दिखना इम्पोर्टेंट होता है, जरूरी है आपके लिए, और आपको दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. और इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको विजन्स नहीं दिख रहे वो अभी मतलब अध्यात्मिकता में कुछ आगे या पीछे इस टाइप का होता है. बहुत से लोग जो कि मतलब जिनको जिनकी यात्रा के लिए अभी जरूरत नहीं है कि उनको विजन्स दिखे, उनको शायद विजन्स नहीं भी दिखेंगे. ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता. मैम जी नहीं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, किसी को दिखते हैं, मैंने यही बताया था. मतलब जिनको नहीं दिखते हैं उनको निराश नहीं होना है कि कहीं वो कहीं पीछे हैं, इस वजह से उनको नहीं दिख रहे, या उनकी जो अभी यात्रा है वो अभी नहीं है, या वो अभी साधना अच्छे से नहीं कर रहे. ये कुछ लोगों को नहीं भी दिखते, चाहे वो जितना भी जितनी भी साधना करे और जितना भी आगे हो, कुछ इसमें हमें कुछ कोशिश नहीं करनी है, जो होएगा नेचुरली होएगा. बिल्कुल, अपने आप को छोड़ दो, हो सकता है वो स्टेज पार कर चुके, विजन वाले स्टेज भी उन्होंने पास कर ली होगी, ये भी हो सकता है ना. ठीक है फिर फ्रेंड्स, चलते हैं. बहुत सुंदर,